नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। भाई जैसे बोला था, जैसे आप लोगों को कल समझाया था ना, लगता है कि मार्केट ने वैसे वैसे सुना एकदम। जो चीज़ जैसे बताया था बिल्कुल वैसे हुआ, और एग्जैक्ट जो सपोर्ट आप लोगों को बताया था ना, एग्जैक्ट वहीं से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली है, जो कि बहुत पॉजिटिव कैंडल है। देखिए चलिए बात कर लेते हैं। और हाँ, आज 3 नंबर ऑफ लार्ज डील जो हुई हैं, 10-10 करोड़ की, 10-10 करोड़ के 3 नंबर ऑफ लार्ज डील हैं, और 5-5 करोड़ के 2 नंबर ऑफ लार्ज डील हैं। हालांकि जो तीन 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 जो नंबर ऑफ लार्ज डील हैं 10-10 करोड़ वाली, उसने ही सारा खेल पलट दिया है। बात करेंगे सबके बारे में, ठीक है ना। वीडियो पूरा देख के जाइएगा और लाइक जरूर करिए। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टॉक जो है शेयर है लिस्ट में, और बहुत जल्द आ जाएगा बाहर। आगे प्रेडिक्शन करके मैं बता दूंगा एसएम लिस्ट का। फिलहाल में 5% का इसमें जो है अपर सर्किल लगता हुआ दिखा है। 70 रुपये 18 पैसे के प्राइस जो है ऊपर जाके क्लोज कर दिया है। कुल मिला के कहें 17 रुपये के फिर से ऊपर चला गया है। 16 रुपये 37 पैसे पे इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग था। थोड़ा सा जो है गैप अप ओपनिंग हुआ था 16 रुपये 39 पैसे का, और 17 रुपये 18 पैसे का हाई लगाया और वहीं पे जो है क्लोज भी कर दिया। नीचे नहीं आया था, नीचे जो कल का लो था 16 रुपये 36 पैसे, वहीं तक आया था 16 रुपये 36 पैसे तक, उसके बाद नहीं आया। अब देखिए आज इसमें आज भी 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। 4.6 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें आज ट्रेड हुआ है, जिनकी टोटल ट्रेड वैल्यू लगभग 77 करोड़ 77 लाख रुपए आ रही है। सीधा सीधा कहें 78 करोड़ के आसपास आ गया। आज का डिलीवरी परसेंटेज इसका सही है भाई, 50% के आसपास का इसका जो है डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आया है, जो कि ठीक ठाक है, ठीक है ना। देखिए ऑफिशियल कोई भी न्यूज नहीं है, लास्ट अपडेट जो है वही शेयर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अंडर जो है आरटीए का जो है, वही इनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है, ठीक है ना, उनके तरफ से वेरिफिकेशन आया है शेयर से रिलेटेड, बस वही अपडेट है। बाकी ना कोई मीटिंग डेट है, ना ही इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा भी चेंज हुआ है। लास्ट डील देखिए, लास्ट डील में सब कुछ दिख जाएगा। 26 नंबर अप लास्ट डील देखने के लिए मिली है। वहीं पे अगर देखिए 3 लास्ट डील दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हालांकि एक तो 9:56 पे भी हुआ था, 4 करोड़ 37 लाख रुपए के लगभग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 25 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए थे, तो ये तो चलिए अलग हो गया। बात करेंगे ये 3 लास्ट डील जो हुई है इनके बारे में। 10:19, 10:20, तो इन्हीं तीनों लार्ज डील के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो 9:10:19 पे हुई हैं, 10:20 पे, और एक जो है थोड़ा सा गैप के बाद 10:53 पे हुई है। सीधा सीधा कुछ बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, 9 करोड़ 9.25 करोड़ 9.25 करोड़ 18.5 करोड़, वहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे 11.25 करोड़, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग टोटल काउंट करेंगे तो लगभग लगभग 30 करोड़ आ जाएगा, और इसको अगर 4.5 करोड़ को अगर काउंट कर लेंगे और इसको भी 4.5 करोड़ को काउंट कर लेंगे, तो कुल मिला के जो है 30 करोड़ इधर से और 10 करोड़ उधर से, 40 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं लास्ट डील में। 5 लास्ट डील में 40 करोड़ इक्विटी शेयर, 40 करोड़ के इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। ये यहाँ तक समझ में आ गया, और इसी की वजह से हो सकता है कि अपर सर्किट आज लग गया, क्योंकि नीचे से जब भाई डिमांड आएगी तो ऊपर भागेगा प्राइस ना। देखिए अगर इसका आप लोग रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न अब लगभग में वो माइनस वाला मेरे हिसाब से चेंज हो गया होगा। देखिए हालांकि अभी भी ठीक है, 1 वीक में अब इसका जो है नेट टू नेट हो गया, और 1 महीने में 5% का निगेटिव रिटर्न, 1 महीने में 88% का दिया। अभी एनएससी प्लस बीएससी का डाटा देखेंगे तो 6 करोड़ इक्विटी से टोटल ट्रेड हुए हैं। चार्ट पे देखिए, क्या मैं कल बताया था, ये तो सपोर्ट बताया था, अब तो ये तो नहीं मुझ पर कहोगे कि नहीं इसको मैं हटा दिया बढ़ा दिया। जस का तस वहीं पर है, बोला था कि जब तक इस रेंज, छोटी सी रेंज है लेकिन इस रेंज का पावर देखिए, कितना पैनिक में गिरावट आया था और फिर से जो है अच्छी सी रिकवरी आई है। और इस रेंज का यहाँ पे भी पावर देखिए, जब यहाँ से भी एक जब गिरावट आई थी उसके बाद यहीं तक गिरा था, उस दिन भी यहाँ तक लो आया था, कवर कर गया था, आज फिर से वहाँ पे कल क्लोजिंग दिया था और कल वहीं पे ओपन होके फिर से जो है मूवमेंट, मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बस इतना आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। फिबोनाची का पॉइंट कितना ज़बरदस्त है भाई, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट, कल मैं बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कल यहाँ पे मार्केट ओपन हो और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, तो अजम्पशन करिए कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक और इस तरह से 3 कैंडल यहाँ पे एक बन जाएंगी और ये बहुत स्ट्रांग होगा। ऊपर से 3 पहले से बनी है और इसी लाइन में एक और बन जाएगी, तो ये बढ़िया एक कंडीशन हम लोगों की बनती हो जाएगी। मतलब कुल मिला के एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पैटर्न तब तक फॉलो होगा जब तक कि ये वाली बड़ी कैंडल जो सबसे लो वाली कैंडल है, नीचे वाली कैंडल, क्योंकि इसका लो है यहाँ तक,
इसका यहाँ पे ओपनिंग है, इसका लो है यहाँ तक, अब इसका लो हो गया है, सबसे नीचे वाला लो जब तक ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक ये पैटर्न जो है टूटने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ से एक बड़ी सी रिकवरी आने की संभावना है, बस 18 रुपये एक बार ब्रेक कर दे तो फिर 18 से 19 रुपये वाला जो रेंज जो मैं आप लोगों को बताया था उसमें जाके सस्टेन कर जाएगा, और फिर अगर वो ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें हम लोगों को 23 रुपये 24 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है, ये मैं कई बार बताता हूँ। और यही स्ट्रेटजी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हर दिन हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं वो 5 मिनट के 4 रुपये की, अभी सपोर्ट है इतना पे अभी घट गया, अभी घट गया फिर से आधा घंटा के बाद फिर से, वो नहीं बदलेगा इतना जल्दी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, और कल भी अगर आप लोग ईमानदारी से कमेंट करो और वीडियो को लाइक करिएगा आप लोग, कि कल भी मैं बोला था कि भाई मेरा तो भी अभी यहाँ तक भी है कि अभी यहाँ पे भी खरीदारी करिए आप लोग, और लो का स्टॉप लॉस लगाइए या इसी के नीचे का 16 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ तक भी बोला था, मतलब 16.5 रुपये पे खरीदारी और 16 रुपये पे स्टॉप लॉस। और अगर आप 8 ना कहेंगे, मतलब 50 पैसे का आपने रिस्क लिया होता तो 77 पैसा तो आज ही मिला है, मतलब 1:1, 1 रुपये के अगेंस्ट में आप लोगों को 1.5 रुपये मिल गया, 8 ना के बदले में आप लोगों को 50 पैसे के बदले में 75 पैसे तो आज ही मिल गया, समझ रहे हो। इतना छोटा स्टॉप लॉस कोई नहीं बताएगा भाई, क्योंकि परफेक्ट मैं लेवल एकदम परफेक्ट बताता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया भी हुआ है, देखेंगे हम लोग। 50 डे अभी इसका जा चुका है, पहले देखिए यहाँ पे क्या था ना, कि यहाँ पे जब आया था तो 50 डे इसका यहाँ पे था, यहाँ पे जब आया था तो इसका 50 डे यहाँ पे था और 20 डे ने सपोर्ट दिया, अब 20 डे ऊपर की साइड से हो गया तो इसीलिए रेजिस्टेंस दे रहा है बार बार ना, देखिए यहाँ पे जब से देखिए 20 डे में इसका ऊपर गया है तब से देखिए ये रेजिस्टेंस दे रहा है ऊपर की साइड में, लेकिन अब इसका जो है साथी पीछे से आ गया है 50 डे, अब ऊपर से 20 डे रेजिस्टेंस देगा तो नीचे से 50 डे हम लोगों का सपोर्ट देगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले दूर था मोमेंटम ज़्यादा होती, अब देखिए उसके बाद 100 डे यहाँ पे है, तो अभी 100 डे को क्या करना पड़ेगा, ये मोमेंटम ऊपर करके ऐसे वैसे करेगा तब कहीं जाके ये 100 डे इधर आके सपोर्ट देगा इसको, लेकिन फिलहाल में 50 डे आ चुका है सपोर्ट देने के लिए, ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, और जिस इंडिकेटर को बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे वो एक्चुअल में काम करेगा ही करेगा, कुछ लोग होते हैं जो मैं देख रहा हूँ कि कोई बंदा है, कोई कई सारे बंदे हैं, वो हर दिन एक स्ट्रेटजी लेके आ जाते हैं, हर दिन एक स्ट्रेटजी बताएंगे, हर दिन एक नया इंडिकेटर लेके आ जाएंगे और वहीं बताएंगे कि ये स्ट्रेटजी है, भाई स्ट्रेटजी क्या, वो एक इंडिकेटर, वो इंडिकेटर इंडिकेट करेगा और का वो स्ट्रेटजी थोड़े है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, और इसके बाद देखिए जो जो मैं बनाया हूँ 13 रुपये से लेकर 12 रुपये की, अगर इसका ब्रेकआउट देता है नीचे की साइड में या फिर कहें 15.5 रुपये का, तो यह फिर सीधा से जो है 12-13 रुपये के रेंज में आएगा, और यहाँ पे हम लोगों का क्या है 100 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है ना, और 20 डे अभी तो ऊपर है, 50 डे जाके सपोर्ट दे ही रहा है। बुलिंजर बैंड बिल्कुल साइडवेज दे रहा है इंडिकेशन, बुलिंजर बैंड का तो यहाँ पे कोई व्यू है ही नहीं। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाया था और बताया था कि RSI जो है ना अभी तक 46-45 के भी अगर ऊपर ऊपर रहे ना तक भी अगर चला जाए, जब 50 पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था 52-53 पे, 50 पे ये वाले लेवल पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये 50 पे जब RSI सपोर्ट ले रहा था ये वाले कंडीशन में जब था, तब मैं आप लोगों को क्या बोला था कि 50 पे RSI है सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो 45 तक भी RSI आ जाता है तो भी उतना कोई टेंशन रहेगा नहीं, अगर आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने होंगे तो, और पूरी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, देख लीजिएगा मेरा भी इसमें कॉन्फिडेंस सही है भाई। JP एसोसिएट जो लोअर सर्किल लग रहा था दिवालिया होने वाली कंपनी रिकवर कर गई, JP पावर सुजलोन तो चलिए ठीक है, रतन पावर का वीडियो बना ही रहा हूँ, PCU जलर भाग रहा है, छोटे छोटे जितने भी शेयर लगभग में है ना, यहाँ पे लोहित स्टील भाग रहा है, जितने भी अगर आप देखोगे छोटे टाइप के शेयर सब में जो है मोमेंटम बढ़िया सा आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कह लें एक देखिए बजाज हिंदुस्तान शुगर भाग रहा है, ठीक है ना, इस तरह से अगर आप लोग देखोगे कई सारे देखेंगे आपको शेयर, ठीक है ना। देखिए IRB इंफ्रा में थोड़ी सी तेजी है तो हो जाएगा, अगर ब्रेकआउट 18 का मिलता है ना तो फिर बढ़िया तेजी आएगी। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिएगा दबा के।